सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हेल्थ में। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो हैंडीप्लास्ट का यूज किया ही होगा, या छोटे मोटे कट के वजह से या चोट लगने के वजह से। क्या आपको पता है कि इसमें क्या गुण होते हैं और क्यों इसको आप चोट या कटे फटे पे लगाते हैं? क्या इससे घाव ठीक होती है या नहीं होती है? तो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ कि हैंडीप्लास्ट में क्या प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण आपकी जो कटे फटे जो नॉर्मल से इंजरी वगैरह होते हैं उसमें आप इसके यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जो हैंडीप्लास्ट का यूज करते हैं उसमें क्या प्रॉपर्टीज डाला जाता है। तो इसमें बेंजाइल क्विनियम क्लोराइड 0.5% में जो होता है, जो कि एक एंटीसेप्टिक्स होती है, जो कि एंटीसेप्टिक्स का यूज जैसे कि फर्श पे पोछा लगाने में भी करते हैं, या आपको कभी कभी क्या होता है छोटे मोटे कट लग जाते हैं उसको भी क्लीन करने के लिए आप एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिटॉल, सेवलॉन, ये सब एंटीसेप्टिक्स होती है, इसलिए आप हैंडीप्लास्ट का भी यूज करते हैं। जैसे कि इसमें भी प्रॉपर्टीज एंटीसेप्टिक डाला जाता है, जो कि आपको मैंने बताया कि बेंजाल क्विनियम जो क्लोराइड है वो एक एंटीसेप्टिक्स है, जो कि आपको घाव पे जो होते हैं धूल वगैरह लगते हैं उसके वजह से चिपकाने के लिए इसको चिपकाया जाता है, यानी कि उसको से बचने के लिए इसको चिपकाया जाता है हैंडीप्लास्ट के। नहीं, इससे घाव ठीक होता है और इसको ज्यादा दिनों तक आपको नहीं चिपकाना चाहिए, केवल और एक दिन के लिए आप इसको चिपका सकते हैं, जैसे कि छोटे मोटे इंजरी वगैरह होते हैं उसमें। तो चलिए खोल करके दिखा देते हैं कि इसमें किस प्रकार से जो बेंजाक्विनियम जो क्लोराइड होते हैं 0.5% में जो अवेलेबल किया गया है, और इसमें देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो हैंडीप्लास्ट के जो इसमें डाला गया एंटीसेप्टिक, ये जो भाग होती है वो एंटीसेप्टिक होती है। इसमें देख रहे हैं कि आपको जैसे कि हवा वगैरह को जाने के लिए इसमें जो होल किया गया है, जो कि आपके घाव घाव को जल्द से यह ठीक करता है। और एक किराना स्टोर्स या मेडिकल स्टोर्स आप इसे कहीं भी से ले सकते हैं। आपको जैसे कभी कभी क्या होता है गाड़ी से एक्सीडेंट होने के वजह से अगर आप गाड़ी में जो हैंडीप्लास्ट रखा होता है उसको आप यूज करते हैं, इसलिए कि इसमें एंटीसेप्टिक्स गुण होते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो कि हैंडीप्लास्ट में आखिर होती क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।